हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रीत में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। वीडियो के नीचे आप कमेंट भी किया करो ताकि हमें पता लगे कि कैसा रिस्पॉन्स है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ये मामला है क्या कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का एक और कारनामा रेडियोग्राफर पदों का परिणाम भी बदला जाएगा। यानी क्या है कि जो हाईकोर्ट के निर्देश पर दस्तावेज जांचे तो 326 की बजाय 410 योग्य पाए गए। पूरा मामला क्या है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या प्रोसीजर है पूरा, तो आपको अभी दिखा देते हैं। हाई कोर्ट ने सुनवाई की तो आयोग ने दोबारा दस्तावेज जांचे और 410 को योग्य पाया। हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई की तो आयोग की तरफ से दायर शपथपत्र में कहा गया है कि हाईकोर्ट के 22 मार्च 2022 को दिए आदेश पर आयोग ने उम्मीदवारों के दस्तावेजों की विज्ञापन में घोषित योग्यता के आधार पर दोबारा जांच की। आयोग ने मेडिकल कॉलेज रोहतक या अन्य किसी संस्थान से जारी रेडियोग्राफी के लिए जारी डिप्लोमा सर्टिफिकेट पर विचार किया। जब दोबारा जांच की तो पहले से बुलाए 677 उम्मीदवारों में से 410 को योग्य पाया गया और 228 को अयोग्य पाया गया। 39 पहले हुए दस्तावेज जांच के दौरान गैर हाजिर रहे, यानी कि उसमें से 670 उम्मीदवार से टोटल 410 योग्य थे, 228 को अयोग्य पाया गया, 39 जो एबसेंट रहे। आयोग ने शपथपत्र में जानकारी दी कि 7 मार्च 2022 को जब अंतिम परिणाम घोषित हुआ था उनमें से 5 ऐसे उम्मीदवार थे वे भी अयोग्य पाए गए, लेकिन उनके प्रमाण पत्र डिस्टेंस एजुकेशन मोड से थे और एक का सर्टिफिकेट ITI का था। आयोग ने जानकारी दी है कि पहले दस्तावेज जांच के समय 677 में से 326 योग्य पाए थे, 312 अयोग्य पाए थे और 39 गैर हाजिर थे। तो आप यह मामला इस न्यूज़पेपर के कटिंग में पढ़ सकते हो दोस्तों। यानी कि हरियाणा जो रेडियोग्राफी पद का परिणाम भी यानी कि रिजल्ट है द्वारा रिवाइज होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।